दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हरी मिर्च खाने से आपके शरीर में क्या होता है, बहुत ही गजब के बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन कौन कौन सी चीजें ध्यान में रख के किन किन लोगों को हरी मिर्च नहीं खानी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आपको सही जानकारी नहीं पता होती, आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे सर्च करके देख लेते हैं कि ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च खानी चाहिए, इसके फायदे होते हैं। लेकिन दोस्तों नहीं, पित्त प्रकृति के लोगों को खासकर बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है हरी मिर्च के मामले में। तो बहुत ही जरूरी होता है कि पित्त प्रकृति के लोगों को, जिनके शरीर में अधिक गर्मी बनती है, उनको हरी मिर्च का सेवन किस तरह से करना है, सही जानकारी आपको होनी चाहिए। पूरी की पूरी जानकारी विस्तार से मैं आपको हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के द्वारा बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे प्रेस करना, क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं डेली रोजाना, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके फोन में मोबाइल में मिल जाए। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे रहने का तरीका, हमारे पूरे दिन की दिनचर्या पूरी तरह से खराब हो चुकी है। खाना हमारा, डाइट हमारी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। दोस्तों आजकल के नौजवान युवा क्या करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जैसे कि दोस्तों पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गई, और भी जो चटपटी चाट वगैरह होती हैं, ये सब चीजें टेस्ट तो बहुत अच्छा देती हैं। लेकिन दोस्तों आप एक बारी कॉन्शियस होके, जागरूक होके सोच के देखिए, एक तो आप गंदी चीजें खाते हैं, ऊपर से आजकल के नौजवान युवा क्या करते हैं, रात को रेस्ट नहीं करते हैं, टाइम पे सोते नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि रात को 9 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक अगर आप सो जाएं, अपने शरीर को आराम दें, रेस्ट दें, स्लीप दें, तो दोस्तों आपकी बॉडी की तभी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। देखिए, खाना भी आपका सही नहीं है, रात को टाइम पे भी सही से नहीं सो रहे हैं, सुबह उठ भी नहीं रहे हैं टाइम पे, व्यायाम भी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात, पहले जमाने में क्या करते थे, हमारे हिंदुस्तान में योग करते थे लोग, प्राणायाम करते थे, नहीं तो घर के इतने ज्यादा काम करते थे। आजकल के बच्चों के मुकाबले, आजकल के नौजवान जो युवा हैं उनके मुकाबले 100 से भी 200 गुना ज्यादा, अधिक मैं कह सकता हूं कि काम करते थे, घर का काम करते थे, खेत का काम करते थे। जो पंच तत्व होते हैं हमारे, मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, उसके साथ मिलजुल कर रहते थे, यानी कि जंगलों में अच्छे वातावरण में रहते थे। एक तो वो भी पूरी तरह से बिगड़ चुका है, ऊपर से आप अपना ध्यान भी नहीं रखते हैं, फिर आप कहते हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे डिप्रेशन हो जाता है, मुझे एंजाइटी होती है, मेरी आंखों की रोशनी खराब हो रही है, मेरे बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, है ना, उम्र से पहले मुझे बुढ़ापा आ रहा है, शरीर में ताकत नहीं रहती है। फिर आप कहते हैं कि गुरुजी कोई जड़ी बूटी बताइए, कोई आयुर्वेदिक औषधि बताइए, कोई घरेलू नुस्खा बताइए जिससे हम ठीक हो जाएं। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखें, अगर आप अपना लाइफस्टाइल सही नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल के अंदर सब आ जाता है, आपका सोना, आपका खाना, आपका व्यवहार कैसे रहता है लोगों के साथ में, आप गुस्सा कितना ज्यादा करते हैं, कितना ज्यादा प्रेम पूर्वक रहते हैं, खुश रहते हैं, ये सब कुछ मैटर करता है दोस्तों एक अच्छी वेलबींग के लिए। तो इन सब चीजों का आपको कॉन्शियस होके ध्यान रखना ही है, नहीं तो दोस्तों आपकी कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगी, जल्दी आपको और भी भयंकर गंभीर बीमारियां लग सकती हैं। YouTube पर बहुत ही ज्यादा, इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा एक वीडियो प्रचलित हो रही है कि हरी मिर्च खाने के फायदे इस तरह के होते हैं। देखिए बिल्कुल एकदम सही बात है कि आयुर्वेद में हरी मिर्च के काफी सारे फायदे बताए गए हैं, लेकिन दोस्तों फायदों के साथ साथ में आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि उसको ध्यान में रखते हुए, ये भी बताया गया कि किस किस व्यक्ति को, किस किस को हरी मिर्च खानी चाहिए और किस किस को हरी मिर्च बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल भी हरी मिर्च का या लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जिनको गुस्सा बहुत ही अधिक आता है, जिनको टेंशन और डिप्रेशन बहुत ही अधिक रहता है, जिनके उम्र से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, जिनको बुढ़ापा बहुत ही ज्यादा जल्दी आ रहा है ना, इस तरह की बहुत ही ज्यादा, सर में जिनके दर्द बहुत ज्यादा होता है, पेट में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, पेट साफ जिनका बहुत ही सही से नहीं हो पाता, उनको हरी मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि पित्त प्रकृति जिनके शरीर में बिगड़ जाती है, उनको हरी मिर्च यानी कि ग्रीन चिली का और साथ में रेड चिली पाउडर का के साथ में और खाने के बीच में प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ में जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि बवासीर को प्रॉब्लम रहती है,
इनको भी दोस्तों हरी मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। जिनके चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, यानी कि दोस्तों दाग धब्बे हो जाते हैं, है ना, वो छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, खासकर महिलाओं के चेहरे पे, नौजवान जो युवा होती हैं आजकल की, जिनके चेहरे पे दोस्तों पिंपल्स अधिक होते हैं, ऑयली स्किन होती है जिनकी, उनको भी हरी मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो हरी मिर्च होती है वो नेगेटिव प्राणिक फूड की कैटेगरी में आती है। तामसिक भोजन आयुर्वेद में कहा जाता है सात्विक भोजन, तामसिक भोजन, तो इसमें दोस्तों जो सात्विक भोजन होता है उसमें हरी मिर्च नहीं आती है। इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे जितनी भी बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां पे हरी मिर्च का प्रयोग कम से कम किया जाता है। पीसफुल रहना चाहते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो वेल बीइंग है, आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ही ज्यादा अच्छे से निखरे, आप बहुत ही शांत, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग व्यक्ति हो, आपको गुस्सा बहुत ही कम आए, तो आपको हरी मिर्च का थोड़ा कम प्रयोग करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि आयुर्वेद में जो बीमारियां हो जाती हैं उसमें हरी मिर्च का किन किन को प्रयोग करने को कहा जाता है। एक तो दोस्तों आंखों की रोशनी जिनकी थोड़ी कमजोर रहती है उनको ग्रीन चिली का थोड़ा बहुत प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि खाने के साथ में चार चार पांच पांच हरी मिर्ची खा रहे हैं, नहीं दोस्तों, खाने के बीच में बराबर मात्रा में आयुर्वेद की औषधि की तरह अगर आप एक से दो हरी मिर्च डाल करके प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छी होती है। दूसरा नंबर, जो लोग बहुत ही ठंडे इलाके में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, उनको खासकर सर्दियों के मौसम में हरी मिर्च का प्रयोग करना चाहिए, शरीर को गर्म रखने में बहुत ही ज्यादा ये सहायता करती है। जिनका पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है, कब्जी की जिनको प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की, जिस टाइम पे अधिक आपको प्रॉब्लम होती है, हफ्ते में एक बार आपको मिर्ची खाने में ज्यादा डाल करके, रोजाना नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनिए, रोजाना डालेंगे तो ये उल्टा नुकसान करेगी, लेकिन हफ्ते में अगर आप एक बार डाल करके खाते हैं तो बहुत ही गजब की होती है, बहुत ही जबरदस्त होती है, बहुत ही बेहतरीन होती है पेट को पूरी तरह से साफ करने के लिए। अलावा दोस्तों हरी मिर्च का सबसे जबरदस्त प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए थोड़ा सा मौसम चेंज होने के कारण या फिर किसी भी कारण से आपको दोस्तों सर्दी खांसी जुकाम या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी तरह का, है ना, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, खांसी, बलगम, सर्दी, कफ, इस तरह की आपको समस्याएं बड़ी अधिक होती हैं, तो आपको किसी भी तरह के सूप में, आप जो मार्केट से सूप लेकर के आते हैं दोस्तों, मैं उस सूप की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे घर में आप टमाटर का सूप बनाते हैं, मिक्स वेजिटेबल्स का, मिक्स सब्जियों का, गाजर हो गई, पत्ता गोभी हो गई, न्यूट्री हो गई, है ना, न्यूट्रिला हो गया, इसका जो सूप आप घर पे तैयार करते हैं, भी व्यक्ति को दोस्तों बहुत ही ज्यादा सर्दी खांसी जुकाम और बुखार हो जाए, उसको अगर आप रात को सोते समय, क्योंकि जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार होती है, आप एक चीज नोटिस करना, ये रात को जैसे आप सो करके सुबह उठते हैं तब हो जाते हैं, यानी कि रात को होती है अधिक, यानी कि जो कफ प्रकृति होती है वो रात को ज्यादा आपको हो जाती है, तो इस तरह के व्यक्ति को रात को सोते समय जिसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाए, उसको दोस्तों आपको बहुत ही अधिक मिर्ची वाला, जो कि थोड़ा सा वो सहन ना कर पाए मिर्ची इतनी ज्यादा, यानी कि उसकी आंखों से और कान से धुआं आ जाए, आंसू आ जाए, इस तरह की मिर्ची सूप के बीच में डालकर अगर आप उसको देते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे बहुत ही तुरंत, यानी कि एक ही रात में आप देखेंगे कि सर्दी खांसी जुकाम से उसको आराम मिलेगा। ये बहुत ही गजब का प्रयोग है, इवन मैंने खुद करके देखा है, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था, मेरे पिताजी ने मुझे बताया, आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही गजब का होता है जिसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है। अलावा दोस्तों अगर आप हरी मिर्च का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो ये क्या करती है दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है हमारी बॉडी में, तो ब्लड सर्कुलेशन जिनका बॉडी में सही से नहीं रहता उनको हरी मिर्च खानी चाहिए, बिल्कुल फायदेमंद होती है। लेकिन लाल मिर्च का जो पाउडर वाली सूखी मिर्च होती है उससे जितना दूर रहेंगे मसाले से उतना ही ज्यादा आपके शरीर के लिए बेहतर रहता है। हरी मिर्च का थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं खाने के बीच में डाल करके, लेकिन लाल मिर्च का कम से कम या फिर जीरो, जिसको कहते हैं ना के बराबर ना ही प्रयोग करें तो अच्छा रहता है हमारे शरीर के लिए। वो कहते हैं ना मिर्च मसाले मत खाइए, तो उसमें मिर्च भी आती है कि मत खाइए आप। तो दोस्तों एक और बात का आपको ध्यान में रखना, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, तो ज्यादा अगर आप हरी मिर्च खाएंगे आपके दिमाग में दोस्तों ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही तेजी से बढ़ा देता है। तो दिमाग में दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, हमें बहुत ही बड़ी गलतफहमी रहती है कि दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों दिमाग में सबसे कम ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, अगर आप एफिशिएंटली, अगर आप बहुत ही शांत रह करके किसी भी काम को आसानी से करना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों कुदरत ने, प्रकृति ने हमें इस तरह से बनाया है कि हमारे सर में सबसे कम ब्लड जाता है
है ना, आप देखते होंगे जिस तरह से हम खड़े होते हैं, ग्रेविटी का जो पुल होता है वो नीचे की तरफ ब्लड को खींचता है और हमारा हार्ट ऊपर की तरफ पंप करता है, लेकिन वो कोशिश करता है पंप करने की, लेकिन जो नेचुरल तरीके से हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में वो नीचे की तरफ होता है, यानी कि सर से लेके पैर की तरफ, है ना। तो जो ऊपर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे दिमाग की ब्रेन की नसों में, जो कि बहुत ही पतली नसें होती हैं, बहुत ही कम होता है। तो एक बात का ध्यान रखें, ज्यादा हरी मिर्च खाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन दिमाग की नसों में तेज हो जाएगा, इससे दोस्तों आपको गुस्सा अधिक आने की संभावना और सिचुएशंस को हैंडल ना करने की समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ही मुश्किलात हालात हो जाते हैं जिंदगी में, तो उनका दोस्तों सामना करने के लिए आपका शांत रहना अति आवश्यक होता है। इसीलिए दोस्तों जो लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इस तरह की जितनी भी आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, उनको हरी मिर्च ना के बराबर यानी कि कम से कम खानी चाहिए। लहसुन भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन हरी मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है किसी भी प्रकार के ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको गुस्सा अधिक आता है। तो मुझे उम्मीद है हरी मिर्च के फायदे जान करके और इसकी सावधानियां जान करके आज की वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको अष्टांग हृदयम के द्वारा बताई है, तो वीडियो को लाइक करना, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपने मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्या पता किसी की मदद हो जाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।